एक प्रॉब्लम हो गया है, स्निग्धा गाइस, वेलकम बैक टू पीसी व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? एंड आज सुबह से मैं बिजी थोड़ा सा था, क्योंकि आज दिन भर प्लानिंग कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसी में मैंने अभी तक टाइम जो इन्वेस्ट किया था तो वो इसमें है। जो अभी काम आप देख रहे हो ये चल रहा है अपना सॉरी एडिटिंग का काम। तो एक बार ये व्लॉग एडिट हो जाए तो फिर हम फ्री है अपने दिन भर काम के लिए। तो आज का शेड्यूल कुछ इस तरह से बना है कि शायद फिक्स नहीं है, शायद हम जाएंगे फिल्म देखने भोला तारा थिएटर। कार्निवल तो बंद ही है, उसमें दिखाई नहीं रहा। एंड दूसरा कि मुझे जाना है रिलायंस डिजिटल में, क्योंकि स्टेबलाइजर एसी के लिए लेके आना है। तो देखना है मुझे किस तरह से क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने एक दो जगह पे जाके देखना है पहले कहाँ पे कंपेरेटिवली कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, कंपेरिजन करके हम फिर लेने वाले। तो आज ये दो स्पॉट्स पे जाना है हमें, एक तो फिल्म देखने के लिए, उसके बाद फिर स्टेबलाइजर लेने के लिए, और बैचेस भी लेनी है। जो कल का सॉन्ग अधूरा छोड़ा है उसको कंप्लीट भी करना है। तो इस तरह से कुछ शेड्यूल अभी तक बना है। इसमें क्या क्या सक्सेसफुल होता है, क्या क्या कट होता है, देखते हैं। चलो एक काम तो पहले ख़त्म कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम हो गया है, स्निग्धा बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है स्निग्धा का, उसको मैं घर छोड़ के आया हूँ मैं। अभी मैं बाद में बताता हूँ क्या और कैसे हो गया। चलो गाइस, अभी हमारे यहाँ पे आपको अगर कैमरा में दिख रहा है पीछे, तो एक जन आई है मैम, उनका कहना है कि उन्हें अपना हॉल चाहिए रेंट पे, या फिर जैसा भी हो, या फिर वो टीम ज्वाइन करते हैं हमारी, पता नहीं, देखते हैं। और आपको भी बताता हूँ क्या है कैसा है, अगर कुछ नए चेंजेस होते हैं तो आपको पता चल जाएगा, नहीं होते तो भी पता चल जाएगा। तो लेट्स गो एंड डू द मीटिंग गाइस। अभी मैं आपको बताता हूँ, आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही है, ब्लूटूथ भी लगा है आवाज़ अच्छे से आने के लिए, बट फैन चालू है, गर्मी बहुत है। तो आज सुबह से मैं व्लॉग नहीं कर पाया, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट सीन में देखा कि स्निग्धा का एक्सीडेंट हो गया था, वो बुरी तरह से जख्मी हो गई है। तो उसको मैंने डॉक्टर के पास लेके गया, फिर उसको घर छोड़ दिया। एंड उसके बाद मैं कुछ काम कर रहा था तो व्लॉग ही नहीं किया। और अभी ये सब मुझे पता चला शाम को, एक्चुअली सेकेंड लास्ट सीन में ये सब हुआ। लास्ट सीन में तो आपने ये देख रहा कि कोई आया था जो टीम ज्वाइन करना चाहता है, प्रोफेशनली सीखना चाहता है, उसको करियर करना है। तो उनसे मीटिंग हुई तो बहुत अच्छे से हुई, लेकिन अभी कल बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। आई होप कि मैं मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि जो आए थे मुझसे मिलने के लिए तो वो कल उनके घर वालों को भी लेके आने वाले हैं, उनसे बातचीत करनी है। बट मीटिंग होते होते मुझे एक फ़ोन आया, और फ़ोन पे बताया गया कि हम कल सुबह बाहर निकल रहे हैं, एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर और छोटी सी ट्रिप, पिकनिक बोल सकते हो, और मेडिकल चेकअप भी। तो हुआ यूँ है कि कल सुबह हम जा रहे हैं यहाँ से कोल्हापुर की तरफ, मेरी फैमिली और मामा की फैमिली, मतलब सुजल आरुष की, और वहाँ पे कोल्हापुर में मम्मी मामा और दादी, सॉरी नानी, तो इनका चेकअप है। तो 10 बजे की अपॉइंटमेंट है, सुबह सुबह मुझे 4-5 बजे निकलना है। और वहाँ से नज़दीक एक 5-6 छोटे छोटे विलेजेस है जहाँ पे जैन टेम्पल्स है, तो वहाँ पे विजिट करके हम संडे को आने वाले। तो कल रात को हम वही कहीं पे तो रुकने वाले हैं, वो जो भी होगा आपको कल पता चलेगा। तो इस तरह से मुझे फ़ोन आया पापा का, फिर आया सुजल का। तो आई वॉज थिंकिंग कि कल मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि ये ट्रिप कैंसिल हो चुकी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि कल मैं अपने बैचेस लेने वाला था जो मेरे से मिस हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि ये प्लान में डिसाइडेड था, डेस्टिनी कुछ और चाहती थी, मैं कुछ और करने की सोच रहा था।
सही बात है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए कल कुछ कंटेंट मिल जाएगा अच्छा, इसलिए मैं एक्चुअली तैयार हो गया, वरना मैं नहीं आता था क्योंकि मेरे बैचेस थे और ऊपर से स्निग्धा बीमार है, तो इस हालत में तो इंस्टीट्यूट का अकेले नहीं छोड़ सकता। विशाखा मैम है फॉर्चुनेटली हमारे पास, इसलिए ये सब मैनेज हो चुका है। स्निग्धा या विशाखा मैम के अलावा किसी और के साथ अभी तक मैंने इंस्टीट्यूट को ऐसा नहीं संभाल लिया, लेकिन मुझे वो बैचेस लेनी ज़रूरी थी, तो अभी देखते हैं, अगले हफ्ते भी कोशिश करूँगा एक्स्ट्रा लेने की, और शायद कुछ अच्छा हो जाए मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स का दर्शन, प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे वहाँ से ब्लेसिंग्स मिल जाए दर्शन होने के बाद, तो इसलिए भी जा रहा हूँ मैं। तो ठीक है, माथा टेक के आना ज़रूरी होता है अपने फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो सब दिमाग में मिला के ये सब चलते चलते यहाँ तक पहुँचा हूँ कि जाना ही है। तो आप भी इस व्लॉग को एंड करने के बाद मैं फ्रेश होने वाला हूँ, सोने वाला हूँ कल सुबह, जल्दी उठना है तो शेविंग नहीं होगी कल सुबह, तो ये अभी प्लानिंग है, पैकिंग भी करनी है, तो ये सब नहीं दिखाता और आपको टाइम पास करके बोर नहीं करता मैं आपको, तो इसलिए 2-3 वजह से मैंने व्लॉग नहीं किया। एक तो इंस्टीट्यूट में काम था एडिटिंग का, अभी भी मुझे एडिटिंग करना है, और एक मीटिंग थी स्निग्धा का एक्सीडेंट कल और परसों, मतलब सैटरडे और संडे का मुझे शेड्यूल रीअरेंज करना पड़ा, रीशेड्यूल बोलते हैं वो करना पड़ा, तो ये सब दिमाग में बहुत किचकिच है। अच्छी बात है कि मैं मंडे को यहाँ पे हूँ और मुझे यही चाहिए था, वैसे भी मंडे को महावीर जयंती है, तो प्लान था मंडे को जाने का, लेकिन क्या करें ना, अपना हो तो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और अच्छा, क्योंकि ये ऊपर वाली की मर्ज़ी होती है, तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। फिलहाल तो इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, एंड अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया फॉर व्हाट्स योर रीज़न, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते अगले व्लॉग में, टिल देन बी हैप्पी स्टे सेफ बी स्माइलिंग एंड ऑलवेज कीप लविंग विद वॉचिंग पीसी ब्लॉग्स, बाय। और स्निग्धा के लिए गुड लक विशेस, गेट वेल सून के कमेंट्स प्लीज़ 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 टाइप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, बाय, गुड नाइट, और कल के ट्रिप का व्लॉग भी आएगा फिर।